वो ऊपर से बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर, पता नहीं कब से हो रखी है, 1.5 घंटा तो हम हो गए फंसे फंसे। और मोदी चाय से कहाँ, ओए प्रधानमंत्री के बारे में गलत नहीं, ये वीडियो भी उड़ जाएगी और हम भी उड़ जाएंगे। लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर पर तुम्हें पीने के लिए पानी मिले या ना मिले, ठंडी बियर पीने और दारू पीने के लिए जरूर मिल जाएगी। तक मनाली मार्केट तक कह रहे यार, सच बताओ दिख नहीं रहा मेरे को। फोटो को हेलो, तेरी हंसी पर मैं 2 साल के। अच्छा अंकल तुम्हारी 2 साल के हो। अभी तो अंकल निप्पल से दूध पीते हैं। तो निप्पल से दूध पिलाएंगे अंकल जी आपको? गिलास से निप्पल से भाई कांच वाले निप्पल कांच। वो अच्छा वो कांच वो वाली निप्पल पीनी अंकल तुम्हें, अब समझा मैं। हमारे दिन की शुरुआत हो रही है चाय के साथ, उसके बाद हम कर लेते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत भी। हेलो दोस्तों, केम छो, सलाम नमस्ते सर अकाल सभी भाई को, राम राम। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम सरचू में, हमें जाना है मनाली। मनाली हो गया ऐसे करीब 180 किलोमीटर दूर और दिल्ली है यहाँ से 700 किलोमीटर दूर। अगर देखते हैं मनाली रुकना, मनाली रुकेंगे नहीं तो सीधा दिल्ली गाड़ी लगाने का प्लान है आज। हम लोग रात को रुके थे सरचू में, और सरचू में रुके थे यहाँ, ये पूरा ऐसा इनका कुछ ऐसा है, सारे भाई यहाँ पर ऐसे बने हुए लकड़ी के, और उसके सामने का व्यू ऐसा है पूरा का पूरा। ये दवाई मैं क्यों खा रहा हूँ उसके पीछे कुछ रीजन है, पहले दवाई खा लूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं वो दवाई क्यों खाता हूँ, 10-12 दिन से लद्दाख में और 4-5 दिन से हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सभी सुबह सो के उठते हैं ना तो सर में ना दर्द होता है ऐसे, बहुत ऐसे भच भच करने वाला और भारी भारी सा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के लोकल से हमने पूछा तो यहाँ होता ही है नॉर्मली से ऐसे सबके साथ। आप कभी भी लद्दाख आ रहे हो ना तो सर दर्द की दवाई जरूर लाना बस। लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर पर तुम्हें पीने के लिए पानी मिले या ना मिले, ठंडी बियर पीने और दारू पीने के लिए जरूर मिल जाएगी। अभी मनाली पहुंचने में हमें लगे 4 से 5 घंटे, मनाली यहाँ से 171 किलोमीटर दूर, और बीच में आ गए रोहतांग पास भी, और पहली बार मैं रोहतांग पास जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा। अब हम इतनी ऊंचाई पे है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, हिसाब से लगा लो भाई हमारी गाड़ी भी ना ऊपर चढ़ रही ना सांस ले रही है। अब फिलहाल हम इसका फिल्टर बॉक्स हटा रहे हैं जो इसको ऑक्सीजन लेने में एकदम परफेक्ट और थोड़ी आसानी हो, और हवा बहुत बढ़िया चल रही है और धूप भी बढ़िया निकल रही है। ये हमने हटा दिया है इसका फिल्टर फिलहाल के लिए, अब देखते हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बढ़िया एकदम परफेक्ट भाई, बहुत बहुत लो ऑक्सीजन है यहाँ पर, बहुत लो ऑक्सीजन। नई गाड़ी में तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती है, अब कभी भी पुरानी गाड़ी लेके लद्दाख आओ ना तो मैकेनिक से एक बार ये पूछ लेना, हाँ भाई इसके फिल्टर का पाइप कहाँ होता है। जब भी आपकी गाड़ी चढ़ने में दिक्कत करे या सांस ले, वो फिल्टर का पाइप हटाओ तो नॉर्मल गाड़ी हो जाती है और चढ़ने लग जाती है। हमारी गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसी हो रहा है, अब देखो अभी तो गाड़ी चढ़ ही रही है। लो बेटा छोटो को हेलो, आपकी दीदी भी है, एक मिनट ये लो एक और ले लो, बाय बाय बाय। नाम क्या है आपका? हीना। बाय। हाँ देखो आप कभी पहाड़ों में आओ ना, छोटे छोटे बच्चे आपको देखे, आपकी गाड़ी में कुछ भी हो, कुरकुरे चिप्स नमकीन टॉफी, वो इन्हें दे दिया करो। पता है क्यों? एक तो पहाड़ों में बहुत दूर दूर दुकान होती है, 20-20 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर, और प्लस 10 वाली चीज 30 की मिलती है, तो ये खुशियां ना इन बच्चों को मिल नहीं पाती। आप दे दे करो, जब आप दोगे ना इनको जो इनके चेहरे पे स्माइल आती है, वो स्माइल देख के दिल को अलग ही सुकून मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का। वो भी हम पहुंच चुके हैं एक टॉप पे, 12 लांचना 16,040 फीट की ऊंचाई पे, और सच बताओ हमें ये नहीं पता था बीच में ऐसे ऐसे टॉप भी आते हैं, जाने अनजाने में ही पहुंच रहे हैं हम। हमें जाना था रोहतांग, और रोहतांग के बीच में ऐसे ऐसे टॉप आएंगे हमें नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, हमारी लोकेशन में ऐसे ऐसे टॉप ऐड होते जा रहे हैं, और आसपास का व्यू कुछ ऐसा है पूरा का पूरा, वहां जम रही है ऊपर बर्फ, और हवा चल रही है बहुत बढ़िया, बहुत ठंडी ठंडी। 2-4 फोटो खिंचवाते हैं फिर यहाँ से फटाफट चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। हमारा फोटो सेक्शन हो गया डन, और भाई चप्पल पहन रखी है और स्वेटर के अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा, हवा चल रही है बहुत तेज, फटाफट जाता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ। गेट खोल दे भाई। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें ये दिखा सूरज ताल दा विश लोकर, यहाँ की मान्यता है अपनी विश लिख के बांधनी होती है, हमने अपनी विश लिख दी है और बांध दी है, और हमारी विश पूरी होती है नहीं होती है तो ऊपर वाले की मर्जी है, फिलहाल हम अपनी विश बांध देते हैं, हम मैंने इसके अंदर अपनी विश लिख दी है। यहाँ देखोगे ना लोगों ने ताले बांध रखे हैं, कलावे बांध रखे हैं, धागे बांध रखे हैं, अपनी विश सबों ने लिख लिख के बांध रखी है, हम भी बांध देते हैं फिलहाल के लिए। हम चारों ने अपनी विश यहाँ बांध दी है, अब देखने वाली बात है भाई पूरी होएगी नहीं होएगी। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा काम है विश करना और ऊपर वाले का काम है पूरा करना, अगर हमारे विश में थोड़ी भी बहुत सच्चाई होगी या हमारी ईमानदारी होगी तो पूरी होगी, नहीं होगी तो बस जिंदगी तो चली रही है। नीचे ना नीचे सूरज ताल है, और अभी हमें पता चला ये जो तेल का ऑयल का टैंकर खड़ा है ना, ये नीचे गिरा था और इसके अंदर जो बंदा था ना उसकी डेथ हो चुकी है, और ये अभी निकाला है, देखो भाई इसकी हालत देखो पूरी की पूरी पूरी। लो जी लो, हमने लद्दाख के गंजे गंजे सूखे सूखे पहाड़ों को कर दिया टाटा, भाई भाई अब आ गए हिमाचल के हरे हरे पहाड़, और वो सामने बर्फ का पहाड़।
एकदम बढ़िया लग रहा है। और ये रोड मक्खन मलाई जैसी रोड एकदम बढ़िया। अभी अभी हमें पता चला है हिमाचल से लेकर लद्दाख तक के बीच में जितने भी रोड हैं वो पुल हो, रोड हो, कुछ भी हो, सब बनाती है गर्त, और गर्त को टेंडर देती है बीआरओ, और रोड बनने के बाद बीआरओ चेक करती है, और चेक करने कौन आते हैं, हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर आते हैं। चेक करने के बाद अगर वो रोड पास हो जाता है हम जैसे आम इंसान के लिए खोल दिया जाता है, अगर वो रोड पास नहीं होता तो वो रोड दोबारा बनाया जाता है, उसे चेक कर जाता है वो रोड पास क्यों नहीं हुआ। यहाँ खड़ी हमारी गाड़ी, ये पूरा लग रहा है जाम, और वो हम पहुंच गए हैं अटल टनल के पास। इसको पार करते ही आ जाएगा मनाली, और यहाँ हम वेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। लाइन चल चुकी है, बहुत देर से जाम में खड़े थे हम, लाल गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं इसको पार करते ही सोलांग वैली, उसके बाद मनाली, फिर माल रोड। हमने अटल टनल पार कर दिया, पीछे का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये मनाली वाली साइड में, और यहाँ चल रहे हैं भाई गोलगप्पे, वो भी पहाड़ों में। अभी एक आधा मिला नहीं मिला, नहीं खड़े पकड़ के, हमारा फोटो सेशन हो गया डन। और एक बार ये और देख लो भाई क्या है प्यारा, इस नज़ारे को छोड़ के जाने का ना बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा। फोटो वोटो खिंचवा ली भाई, चले भाई चले। और भाई इसका बर्थडे है, कमेंट में सब हैप्पी बर्थडे विश कर देना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब पहाड़ों में आके मैगी खाते हैं, हम भुट्टा खा रहे हैं, और ये प्यारे से नज़ारे के साथ। वो आगे तक भाई पूरा जाम लग रहा है, पूरा जाम, आधे घंटे जा रहे तो हमें खड़े खड़े हो गए, पता नहीं कब जाम खुलेगा भगवान जाने। हम गाड़ी में बैठे बैठे हो गए परेशान, अब आगे देखने जा रहे कि आगे हो क्या रहा है। कम से कम डेढ़ घंटा हो गया गाड़ी में बैठे बैठे। वो ऊपर से बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर, पता नहीं कब से हो रखी है, डेढ़ घंटा तो हमें हो गया फंसे फंसे, और यहाँ जाम देखो कितना लग गया भाई, बहुत सारी बाइकें, बहुत पीछे तक जाम लग रहा है, बहुत दूर से आराम करते करते कितना टाइम हो गया पता नहीं, लैंडस्लाइड हुई हुई है, और जाम देखो कहाँ तक लग गया, वो पीछे तक जाम, वहाँ कहीं हमारी गाड़ी खड़ी है लाल वाले टम्पू के पास, ये पूरा जाम लग रहा है, पब्लिक कितनी सारी खड़ी होकर देख रही है। अभी हम सोच रहे हैं यार चल दिया जाए, जो करंट की तार जा रही है हिल रही है पूरी की पूरी, इससे पहले काम 2500 हम 9-2-11 हो लेते हैं, आराम से जाइए आराम से। अभी जाम में फंसे फंसे एक ब्लैक ब्यूटी दिखी है, दिखाता हूँ भाई, एकदम खतरनाक चीज़ है, पूरी भीड़ में अलग ही चमक रही है। हार्ले डेविसन 1250 है नहीं, ये ब्लैक ब्यूटी, और कितनी ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, सब पूरी भीड़ में अलग ही खड़ी है और अलग ही दिख रही है। वो जा रही है हमारी गाड़ी, आगे आगे गाड़ी, 3.5 घंटे फंसे रहने के बाद जाम खुला है, फटाक से जाते हैं, और नीचे पानी हो रहा है आराम से। अब मैं बोलूँ क्या, मेरे मुंह से जवान भी निकल रही, जग्गी भाई के हाथ में गाड़ी आ गई है, ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, मैं तो हैंड ब्रेक खींच के बैठा हुआ हूँ, जैसी कुछ बात होगी जैसी खींचूंगा, बहुत देर से पकड़ रखी है। अरे एक तो अभी जग्गी भाई ने भाई 2 मिनट के लिए ना हलक में से जो बोलते ना आवाज आना, वो भी बंद कर दी थी, ऐसा खट मारा था। राजेश से बोलते चला ले, मैं क्या हो गया, तुम चला लो ना मार्केट तक, मंडी तक, मनाली मार्केट तक, कह रहे यार सच बताओ दिख नहीं रहा मेरे को सही में, अरे दिख नहीं रहा मेरे को। हमने सेलेक्ट करा बटर स्कॉच केक, और ये हमने क्यों लिया है भाई, मनबुद्धि का बर्थडे आज, और अभी हम मनाली में, हमें केक कटवाना तो हमने सेट कर लिया, हमें केक के द्वारा रस्ते में मिली थी, अब ये केक लेके पार्टी पॉपर लेके चलते हैं, एक बड़ी से लोकेशन देख के उसका केक कटवाएंगे। इसके लिए एक हल्का लिए टोपी भी ले लिया, उसे पहनाएंगे पहले और फिर केक कटवाएंगे। हम पहुंच चुके हैं भाई मनाली और कवाली, और बहुत सारी यादें जुड़ी है भाई मेरी इस मनाली से, माल रोड से। हाँ भाई बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी, तो यादें ताजा करो, यादें ताजा करने वाले वो दोस्त नहीं ना पुराने, जो यादें ताजा हो सके, कोई नहीं, हम करवाएंगे तुम्हारी यादें ताजा, एक नया नई मेमोरीज बनवाएंगे तुम्हारी। ये पूरा मनाली का माल रोड है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है भाई। तुमने आज तक सिद्धू खाया है? तूने खाया सिद्धू? सिद्धू खाया कभी? सिद्धू मूसे वाला सुना है हमने, ये तो बंदा एक्स्ट्रा चलता है, सिद्धू खिलाऊं? आंटी सिद्धू लगा दो एक, ऐसा होता बड़ा सा मोमोस टाइप का, ये देखो अभी निकलेगा ये रहा, सिद्धू नाम है सिद्धू। पहले कौन चेक करेगा भाई, कर चेक कर चेक कर, आलू है पता नहीं, आलू नहीं है, चेक कर, सच बताना टेस्ट कैसा है इसका, सच बताना सच। देखो भाई किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं, मेरे को नहीं लगा,
तुझे? लमसम ब्राउन। कैसा लगा? सिद्धू के नाम पे डब्बा। हमने आधा माल रोड घूम लिया है, आधा और घूमेंगे। अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हमारा खाना पीना हो गया है। चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि भाई ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर से बनाता हुआ रहा हूँ, आप पूरा देखते नहीं हो। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगाओ, कुछ बुरा लगाओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बाय बाय, टाटा सी यू। चेस चलो भाई, चुम्मी ले ली उसकी, चलो।